ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे और आई सजेस्ट यू टू राइट दैट ट्रांसलेशन ताकि आपकी जो उर्दू की मिस्टेक्स है, उर्दू की जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो भी साथ साथ कवर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द अर्ली शुरू के एंड डिफ़िकल्ट टाइम और मुश्किल ज़माने के, और पाकिस्तान इमरजेंस पाकिस्तान के बनने के, ज़हूर पाकिस्तान कह सकते हैं या पाकिस्तान के उभरने भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है, और पाकिस्तान के बनने के भी कह सकते हैं या पाकिस्तान के क़याम के भी कह सकते हैं। पाकिस्तान के बनने के शुरू के और मुश्किल ज़माने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर का एक दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, आपका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था। ही आपका एम्ड एट मकसद था रेजिंग, उभारना पीपल्स स्पिरिट, लोगों के जज्बे को, आपका मकसद लोगों का जज्बा या लोगों के जज्बे को उभारना था, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आपका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पिछले पैच में रहेगी वो ये कि ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट में ही एम्ड एट वर्ब के फौरन बाद प्रपोजिशन आ रही है और प्रपोजिशन से बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, तो ये प्रपोजिशन इसकी कंपल्सरी प्रपोजिशन है, लिहाजा ये कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन है वर्ब के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। सो लेट्स डू इट अगेन। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के बनने के शुरू के और मुश्किल ज़माने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर का एक दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, आपका मकसद लोगों में जज्बे को उभारना था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वहाँ वहाँ पंक्चुएशन मार्क्स लगाया करें, वरना नंबर कटते हैं। डू नॉट बी ओवरवेलम बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, डू नॉट बी ओवरवेलम, मगलूब मत होइए या मगलूब मत होना बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की कसरत के बायस, काम की कसरत के बायस मगलूब मत होना, काम की कसरत के सबब मगलूब मत होना, दोनों दुरुस्त है। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, आपने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया, आपने लाहौर में एक तकरीर में कहा, आपने लाहौर में एक तकरीर में कहा, काम की कसरत के बायस मगलूब मत होना। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान कौमों की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बिल्डिंग देमसेल्व अप, जिन्होंने खुद को बनाया बाय शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर का मतलब होता है ओनली, महज डिटर्मिनेशन कहते हैं फर्म एटीट्यूड को, महज पुख्ता इरादे से एंड फोर्स ऑफ करेक्टर और किरदार की कुव्वत से। नौजवान कौमों की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने खुद को महज पुख्ता इरादे और किरदार की कुव्वत से तामीर किया। बिल्डिंग का मतलब बनाना भी है और तामीर करना भी है। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप आला खूबियों से बनाए गए हो, कुछ बुक्स में लिखा है अच्छे मादे से तैयार किए गए हो, तो दोनों ठीक है, बट यूनिक नोट्स कहते हैं आला खूबियाँ, तो आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूनिक के टीचर से चेक करना होता है, तो वो एक सिक्योर और सेफ वे यही है कि आप उसी को ज़्यादा फॉलो करो ट्रांसलेशन के लिहाज से भी। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकेंड टू नन, आप आला खूबियों से तैयार किए गए हो, आप आला खूबियों से बनाए गए हो और किसी और कोई आपका सानी नहीं। सेकंड टू नन का मतलब है कोई आपसे आप किसी से कम नहीं या कोई आपका सानी नहीं हो, दोनों ठीक है, आप आला खूबियों से बनाए गए हो और आपका कोई सानी नहीं। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले को बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो, मौत से मत घबराओ, दोनों दुरुस्त है, मौत से मत खौफ खाओ, ये भी दुरुस्त है,
वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की नामोस की हिफाजत के लिए। ऑनर का मतलब वैसे इज्जत होता है, पर जब हम किसी बड़ी चीज़ के ऑनर की बात करते हैं तो फिर उसके लिहाज से ट्रांसलेशन में लेक्सिकल चॉइस भी डिफरेंट हो जाती है ना। लेक्सिकल चॉइस मतलब वर्ड चॉइस, जैसे हम कहते हैं सेंक्टिटी ऑफ दैट वेरी आइडिया, तो सेंक्टिटी जो है वो तकद्दस की मायने में आ जाएगी, नामोस की। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी नामोस का मतलब यूज़ कर सकते हैं इज्जत के बजाय। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, हमें पाकिस्तान की इज्जत और इस्लाम की, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत की हिफाजत के लिए बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाओ, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। फेथ का मतलब जो है वो यकीन के मायने में भी है, ईमान के मायने में भी है मुख्तलिफ बुक्स में, और भरोसा रखने के मायने में भी है। तो ज़्यादा मुनासिब जो है वो ऐसे है कि अपना फ़र्ज़ निभाओ और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने ही के लिए बना है। इट हैज़ कम टू स्टे का मतलब कायम रहने ही के लिए बना है, ये भी मतलब हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये कायम रहने ही के लिए बना है, वही ठीक है। हम लास्ट टाइम इसकी जो है पूरी ट्रांसलेशन दोबारा से कर लेते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमर्जेंस, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। पाकिस्तान के शुरू की और मुश्किल ज़माने में कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क भर का एक दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट, आपका मकसद लोगों में जज्बे को उभारना था। डू नॉट बी ओवरवेलम्ड बाई द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, काम की कसरत के सबब मकलूब मत होना। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, आपने लाहौर में एक तकरीर के दौरान कहा, आपने लाहौर में एक तकरीर में फरमाया, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान कौमों की तारीख में ऐसी बेशबहा मिसालें हैं, बिल्डिंग देमसेल्व अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन, जिन्होंने खुद को महज पुख्ता इरादे से तामीर किया, एंड फोर्स ऑफ करेक्टर और किरदार की कुव्वत से। नौजवान कौमों की तारीख में ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसी बेशबहा मिसालें हैं कि जिन्होंने खुद को महज पुख्ता इरादे और किरदार की कुव्वत से बनाया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल, आप आला खूबियों से तैयार किए गए हो, एंड सेकेंड टू नन, और आपका कोई सानी नहीं। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले को बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मोरल कहते हैं सेल्फ इस्टीम को। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरो, मौत से मत खौफ खाओ। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, हमें पाकिस्तान और इस्लाम की नामोस की हिफाजत के लिए बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज़ निभाओ, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखो। अपना फ़र्ज़ निभाओ और पाकिस्तान पर ईमान रखो। अपना फ़र्ज़ निभाओ और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने ही के लिए बना है। और आखिर में कोटेड जो मार्क्स हैं फुल स्टॉप के बाद, वो आपने लगाने हैं ट्रांसलेशन में।